नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे। दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों का सरेंडर, एक इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एक नक्सली पर था 1,00,000 का इनाम। कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं, तीनों दंतेवाड़ा SP के सामने आत्मसमर्पण किया। तो आप ये देखिए कि जो खूंखार नक्सली हैं वे भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा SP के सामने 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से। 3 नक्सलियों का सरेंडर, एक इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एक नक्सली पर था 1,00,000 का इनाम। कई नक्सली वारदातों में शामिल थे, दंतेवाड़ा SP के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो खबर दंतेवाड़ा से, 3 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, एक इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया, SP के सामने आत्मसमर्पण किया है। और अब बात महासमुंद की, जहां 2 करोड़ का सोना बरामद हुआ। सोने के साथ हिरासत में एक आरोपी को भी लिया गया। 3 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। कार में चैंबर बनाकर हो रही थी तस्करी। ओडिशा से आ रहे थे तस्कर, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र ले जा रहे थे सोना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महासमुंद से, जहां 2 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। 3 किलो ये सोना है, ओडिशा से लाया जा रहा था। 2 करोड़ के सोने की जब जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने छापा मारा और कार को भी जब्त कर लिया है। साथ ही जो आरोपी है उसे भी पकड़ लिया है। तस्करी की जा रही थी सोने की, जो सोने के बिस्किट हैं वो बरामद किए गए हैं। और देखिए कि कार में अलग तरीके का चैम्बर बनाया गया था ताकि पुलिस को कोई खबर ना लगे कि आखिरकार सोना कहाँ कैसे छुपाया गया है। और जब जाँच की गई तो सोना निकला है। मनेंद्रगढ़ में धान खरीदी केंद्र पर छापा पड़ा। प्रशासन की टीम ने मारा छापा। टीम ने 36 क्विंटल धान किया जब्त। दूसरे के नाम से अवैध धान खपाने का खेल चल रहा था। चैनपुर धान खरीदी केंद्र का पूरा मामला है। और ऐसी खबरें लगातार आ रही थी, शिकायतें आ रही थी, जिस पर एक्शन लिया गया। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां धान खरीदी केंद्र पर छापा पड़ा। प्रशासन की टीम ने छापा मारते हुए 36 क्विंटल धान जब्त किया है। दूसरे के नाम से अवैध धान खपाने का खेल चल रहा था। चैनपुर धान खरीदी केंद्र का पूरा मामला सामने आया है। तो धान खरीदी केंद्र पर छापा पड़ा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां धान खरीदी केंद्र में दूसरे के नाम धान खपाने का खेल चल रहा था और लगातार इसकी शिकायतें जम मिल रही थी। तो चैनपुर धान खरीदी केंद्र पर जब छापा पड़ा, 36 क्विंटल धान बरामद किया गया है। मनेंद्रगढ़ के मंडी में यह पूरा खेल चल रहा था। टीम ने 36 क्विंटल धान किया जब्त। चैनपुर धान खरीदी केंद्र का पूरा मामला। और किसानों को दरअसल इससे काफी परेशानी होती है, क्योंकि जो धान है वो जितना खरीदा जाना चाहिए उतना खरीदा नहीं जाता और इसके चलते किसान बहुत परेशान होते हैं। संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गए हैं। सुजीत, ये दूसरे के नाम पर धान खरीदी का जो खेल है, विस्तार से बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी देखिए, बता दूं, छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा सरकार बनी है तब से वो जो अतिरिक्त जो कि धान बेचना है जिसको लेकर के लगातार किसान पहुंच रहे हैं। और कई जो है किसान ऐसे जिनके पास नहीं है बेचने के लिए धान, ऐसे में जो बिचौलिया है वह दूसरे के नाम पर धान बेचने के लिए लगातार जो है धान खरीदी प्रभारी और धान खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी उनसे संपर्क कर ये बिचौलिया जो दलालों के माध्यम से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने आज दबिश दी है और दबिश देने पर 91 बोरी लगभग 36 क्विंटल जो धान जब्त किया और आगे की प्रक्रिया जाँच चल रही है। जी शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। तो आगे की प्रक्रिया की जा रही है और अब धान खरीदी केंद्र पर जो छापा पड़ा है इसमें साफ तौर पर समझ में आया कि किस तरीके से दूसरे के नाम पर धान का जो कारोबार है वो चल रहा था। और अब खबर रायपुर से, जहां उद्योग एवं श्रम मंत्री का बड़ा आरोप। लखनलाल देवांगन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। दाल भात केंद्र के नाम पर हुआ घोटाला। दाल भात केंद्र को करोड़ों का भुगतान। दाल भात केंद्र की केंद्र ही संचालित नहीं हो रहे हैं। देवांगन का कहना है दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। लखनलाल देवांगन का ये बड़ा बयान।
तो खबर रायपुर से है, उद्योग एवं श्रम मंत्री का बड़ा आरोप। सरकार आने के बाद दाल भात सेंटर कहीं चल नहीं रहे हैं और टेंडर भी किए हैं कांग्रेस के लोग और टेंडर करके पेमेंट भी कर रहे हैं और कहीं पर दाल भात सेंटर चल नहीं रहा है, तो उसका भी हम समीक्षा कर रहे हैं। मैंने फाइल बुलवाया है, कितना पेमेंट हुआ है, क्या हुआ, उसको देखेंगे और सही है तो ठीक है, कितने जगह चल रहा है सही, जो चल रहा है एक दो जगह उतना ही पेमेंट हुआ होगा तो ठीक है, अगर अतिरिक्त जहाँ नहीं चल रहे वहाँ के नाम से भी भुगतान हुआ होगा तो हम कार्रवाई भी कराएंगे, जांच भी कराएंगे और आने वाले समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, क्योंकि कांग्रेस ने 52 रुपया प्रति व्यक्ति खाने का कंपनी को पैसा देने का किया है, अब उसमें देखना है कि भुगतान कितना हुआ है, मैंने फाइल बुलवाया है उस दिन। और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश जुड़ गया। आकाश, उद्योग एवं श्रम मंत्री का बड़ा आरोप है, कांग्रेस पिछली पूर्व सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि दाल भात केंद्र जो संचालित किए जाने की बात सामने आई थी वही संचालित नहीं थे, पूरी जानकारी क्या है? तो दाल भात केंद्र को करोड़ों के नुकसान की बात सामने आई है। अभी फिलहाल आकाश चौधरी से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि जो आरोप है बहुत ही गंभीर आरोप है, क्योंकि इससे साफ तौर पर जो जिन्हें जरूरत है अनाज की उन्हें दिए जाने की बात थी, लेकिन अगर दाल भात केंद्र ही संचालित नहीं हुए हैं, दाल भात केंद्र के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई है, संचालित नहीं हो रहे दाल भात केंद्र, लखनलाल देवांगन का ये बड़ा आरोप। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां उद्योग एवं श्रम मंत्री का बड़ा आरोप और अब इस पर जांच की बात कही जा रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वो प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी भगवान राम को लेकर के राजनीति नहीं की। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं और हमारे ही क्यों, पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं। सबकी मनसा है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और आज यदि भगवान राम का मंदिर का निर्माण होता है 500 वर्षों के बाद तो तकलीफ उन्हीं को होगी जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उनसे आग्रह है, वो खुले मन से आए, भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कम्युनिस्ट, ना किसी पार्टी, सभी पार्टी के लोग भगवान राम के शरण में आए, भगवान राम सबको अपना आशीर्वाद दे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की 6 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए कई वादों पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। महतारी बंधन नहीं लागू किया गया, 3100 पर धान खरीदी पर खामोश है। तो दिखती है 6 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है 1 महीने में, लेकिन एक भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो इनकी योजनाओं को पूरा करता हुआ दिखे, जो सरकार के विजन को दिखाए। अब देखिए, धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है, जो इनकी पहली गारंटी थी मोदी की गारंटी में कि 3100 में धान खरीदी करेंगे, एक साथ भुगतान करेंगे, कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। महतारी बंधन के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। 500 में गरीबों को सिलेंडर देने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है। बिजली बिल आधा आगे जारी रखने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने यात्रा के छत्तीसगढ़ के होकर गुजरने पर कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं बंटा धार करके आते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कई बार छत्तीसगढ़ आए और उनके मुख्यमंत्री चले गए। साथ ही उन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐतिहासिक पल बताया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सरोज पांडे ने कहा कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, सब लोग बिजी हैं और सबको तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, कितना खास होगा ये दिन और ये कितना खास ये रहने वाला है देश के लिए?
पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत खास दिन है और मुझे लगता है कि शायद हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दिन देखने का अवसर मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को ये दिन देखने का अवसर दिया। भारत में दो बार दीपावली मनेगी, इस बात का अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और हम हमेशा इस बात का नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर कब बनेगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। मंदिर बन रहा है और अब मंदिर पूर्णता पर है और वहाँ पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। ये देखने का सौभाग्य मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष को दिया है और इसलिए प्रभु श्री राम के चरणों में हम श्रद्धा सुमन हमेशा अर्पित करते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हर भारतवासी की भावना का सम्मान किया है। इस बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में यही स्लोगन चारों ओर दिखाई और सुनाई देगा। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में स्लोगन के साथ लोकसभा चुनाव का आगाज कर रहे हैं। उसी के तहत दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने इस स्लोगन को दीवार पर उकेर कर अभियान की शुरुआत की। सरोज पांडे के इस अभियान की शुरुआत के मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वही रायपुर में बदमाशों का निकाला जुलूस, मुंडन करवाकर शहर में निकाला जुलूस, घर में घुसकर रॉड से किया था हमला। पुलिस ने चार आरोपियों का जुलूस निकाला। गंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। एजाज खान, राजा, संदीप, ध्रुवा का जुलूस निकाला गया। तो ये जो चार बदमाशों को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्होंने घर में घुसकर रॉड से हमला किया था, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा और मुंडन कराकर इनका सड़कों पर जुलूस निकाला गया। रायपुर में अपराध को रोकने पुलिस अब अपराधियों पर पैनी नजर रख रही है। जेल से छूटने के बाद आरोपी किसी तरह के अपराध ना कर सके, इसके लिए पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। जेल से छूटने के बाद हत्या, लूट, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों की पुलिस थाने में परेड कराएगी। आरोपी क्या कर रहे हैं, कौन से व्यवसाय में लिप्त हैं, इसकी जानकारी भी पुलिस रखेगी ताकि अपराध को रोका जा सके। कुछ हाल फिलहाल के कुछ अपराधों में देखा गया कि जेल से जो सजायाप्त आरोपी हैं, जो छूट के आते हैं, वो फिर से किसी ने अन्य अपराध में शामिल हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं, 302 307 के आरोपी हैं या जो एनडीपीएस से छूट के आए लोग हैं, इनको जो है सतत मॉनिटरिंग रखा जा रहा है और इनको थाने में बुला करके इनके जो है वर्तमान की आजीविका के संबंध में जानकारी ली जा रही है और इन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त रहते हैं तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जशपुर के हमहारिया खरीदी केंद्र प्रबंधक की लापरवाही की वजह से 3000 क्विंटल धान पानी में भीग गया। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन समय रहते धान को भीगने से बचाने के उपाय नहीं किए गए। जशपुर जिला मुख्यालय में देर रात मौसम का मिजाज बदला और जिले भर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई और ये बारिश सुबह तक हुई और भारी बारिश की वजह से जो जशपुर जिले के धान खरीदी केंद्र हैं उनमें रखे कई क्विंटल धान जो है वो बारिश से भीग गए। इस वक्त हम मौजूद हैं जशपुर के एक धान खरीदी केंद्र में और बगीचा के धान खरीदी केंद्र का ये नज़ारा है। यहाँ पर सुरक्षित तरीके से धान को कवर करके रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो देर रात बारिश हुई उसमें ये धान तो सुरक्षित हैं। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।